नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई की 18 दुकानें कुर्क। कुर्क की गई संपत्ति की वैल्यू लगभग 26,18,000 रुपए। मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई की 18 दुकानों को कुर्क करके सीज कर दिया है और साथ ही कई थानों की पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर बाजार स्थित अंसारी कॉम्प्लेक्स में निर्मित मंसूर अंसारी के 18 दुकानों को कुर्क करते हुए सील करने की कार्रवाई की गई। दरअसल ये कार्यवाही गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश के बाद उक्त कार्रवाई की गई। इससे बाजार में हड़कंप मचा रहा है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 26,18,000 रुपये है। देखिए ये खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। भवन संख्या 77 में अभियुक्त मुख्तार अंसारी उपरोक्त द्वारा अपने चचेरे भाई मंसूर अंसारी पुत्र खुर्शेदुल हक अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर को दिनांक 17/8/2020 को हुए पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त 71/73 फुट लंबाई तथा 35/20 फुट चौड़ाई की भूमि पर भूतल पर 18 दुकानों का निर्माण करवाया गया है को जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा अपने आदेश संख्या 132/18 जे थाना मोहम्मदाबाद कुर्की आबलिक 2023 दिनांक 6/3/2023 के तहत कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर। अंसारी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से। इसी क्रम में आज मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जो उसके चचेरे भाई मुख्तार अंसारी की बताई जा रही है कुर्क की गई है। जैसा विदित है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधी द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो कमाई की जाती है उससे जो भी संपत्ति अपने नाम या किसी अन्य के नाम ली जाती है तो उसे कुर्क करने का और जब्त करने का प्रावधान है। उसी के तहत कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के द्वारा थाना मोहम्मदाबाद में अपने चचेरे भाई मंसूर के नाम से दुकानें बनवाई गई थी जिनका चिन्हीकरण किया गया था। फिर विधिवत उसका आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्गत किए गए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 18 दुकानों को कुर्क और जब्त किया गया है। अनुमानित कीमत क्या होगी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो PWD द्वारा बताई गई है वो लगभग 26 लाख से ऊपर है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ से ऊपर है।